राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 प्रदान किए। लोकप्रिय फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर 2024 को लायो पीडीआर की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही उन्होंने जापान और न्यूजीलैंड के समकक्षों से भी मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा वे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और यूरोपीय परिषद के नेताओं से भी मिले। यात्रा के दौरान भारत और लाओ पीडीआर ने 6 सहमति पत्रों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा सहयोग, सीमा शुल्क, ऑडियो विजुअल और धरोहर का संरक्षण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 10 सरकारी चिकित्सा विद्यालयों के संचालन का शुभारंभ किया और भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक निशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 17,082 करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से राजस्थान और पंजाब में सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को भी मंजूरी दी। NMHC परियोजना के विकास से करीब 22,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क के किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में हमसफर नीति का शुभारंभ किया। हमसफर नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है।